हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गूगल के 3 फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। आप कभी भी जॉब टिकट लेने के लिए जाते हैं तो उस जगह का नाम आपको जरूर बोलना पड़ता है, तब जाकर के स्टेशन मास्टर आपको टिकट देती है। उसी तरह गूगल पे भी आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ATM का भी जरूरत पड़ती है। कोई भी हम लोग अनजान जगह में जाते हैं या फिर अनजान शहर में जाते हैं तो हम लोग ज़्यादातर ATM का भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ATM के लिए कहाँ पर है किसी का पूछने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोबाइल आपके पास रहता है, ज़्यादातर आदमी के पास ही मोबाइल रहता है। तो चलिए आप देखते हैं ATM कहाँ पर है। ठीक है, तो फिर से हम आ गए मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले हम फिर से गूगल को ओपन करेंगे। गूगल ओपन हो चुका है और घुमा लेते हैं। पहले घुमा लिए तो इसमें भी हम अब लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं ATM नियर मी। ATM स्पेस देते हैं ATM नियर मी। यहाँ पर देखिए हम लिखा यहाँ पर आ गया है। तो जैसे हम लिखे यहाँ पर आ चुका है ATM नियर मी, तो यहाँ सर्च में क्लिक करते हैं। तो जैसे सर्च में क्लिक किया है तो कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर आपको ATM है पास वाला, वो सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पंचपरा में 2 ATM है यहाँ दिखा रहा है, उसके बाद बांका में है। ठीक है, और भी बहुत सारा जगह में है। चलिए हम सबसे पास वाला यहाँ चूज़ करते हैं। तो यहाँ हम पंचपरा वाला चूज़ करते हैं क्योंकि हम पंचपरा में हैं। इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस वहाँ पर आएगा। यहाँ पर दिखा रहा, देखिए गोड्डा पंचपरा रोड बिहार 814133। तो इसका जो क्लोजिंग टाइम है ओपन टाइम है 7 AM से। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखते हैं ट्यूजडे 7 AM से 8 PM तक खुला रहेगा। कौन कौन सा दिन खुला रहेगा पूरा यहाँ दिखा गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम डायरेक्शन देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हम जाएंगे। तो ये डायरेक्शन में हम क्लिक करते हैं। देखिए जैसे डायरेक्शन में क्लिक किया हूँ, यहाँ से जस्ट अभी हम जो पोजीशन में हैं, जहाँ पर हम हैं अभी, हमारा लोकेशन जहाँ पर है वहाँ से जस्ट ये 1 मिनट लगेगा हमको। बाइक में अगर हम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 270 मीटर की दूरी है, तो कुछ इस प्रकार से बहुत जल्दी आपको आपका पास वाला ही दिखाएगा। बस आपको सिर्फ लिखना है ATM नियर मी आपको जरूर लगाना है। ठीक है, तो आपको सबसे पास वाला जो ATM है वो आपको दिखाई देगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हम जाएंगे। यहाँ पैदल जाने वाला भी रास्ता है, यहाँ ड्राइविंग वाला भी है। चलिए इसको हम पैदल वाला रास्ता चूज़ करते हैं। तो देखिए जैसे पैदल वाला रास्ता हम चूज़ किए हैं तो यहाँ से हमको लगेगा 3 मिनट, 280 मीटर का रास्ता है ये। तो देखा फ्रेंड्स, कितना आसानी से आपको पता चल गया है कि ATM कहाँ पर है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरह हॉस्पिटल या फिर पेट्रोल पंप पता करे। तो फ्रेंड्स, हम लोग को कभी कभी बाहर में जाना पड़ता है, मान के चलिए अनजान जगह में जहाँ पर हमको मालूम नहीं है, बाइक लेकर के हम लोग जाते हैं या फिर कार लेकर के जाते हैं, फिर हम लोगों को पेट्रोल पंप का ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग को किसी के पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर आदमी के पास मोबाइल आपके पास रहते ही है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको पेट्रोल पंप कहाँ पर है, आपका नज़दीक का जो पेट्रोल पंप है वो कहाँ पर है और वो कैसे पता चलेगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर।
देख सकते हैं, फिर से हम गूगल को ओपन कर लेंगे। तो गूगल ओपन हो चुका है, इसे हम थोड़ा घुमा लेते हैं, घुमा लिए हैं। तो यहाँ पर दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप सर्च में भी लिख करके भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ बोलने वाला भी ऑप्शन है, बोल करके भी कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि चलिए हम बोल देते हैं, इसमें बोलने वाला जब सिस्टम है, पेट्रोल पंप नियर मी, देखिए कुछ इस प्रकार से ये पेट्रोल पंप जो है यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहाँ कहाँ पर है ये दिखा रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पर गोड्डा में है या बौसी में है, तो सबसे नीचे वाला हम देखते हैं। सबसे नीचे वाला आपका है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, जो कि विक्रमपुर बिहार में है, ठीक है। और यहाँ पर है कपाली सड़ी पुल मेट्रो ICL पेट्रोल पंप, एक हो गया, जो कि ये अभी बिहार में ही है, ये 24 घंटा खुला रहेगा। इसके बाद एक और एक है सेंट्रल पेट्रोल पंप। तो सबसे पहले वाला जो है हम वही में क्लिक करते हैं, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे। तो जैसे कि इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे हम क्लिक किए हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है हम यहाँ पर किस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो ये लिख रहा है दुमका भागलपुर रोड विक्रमपुर बिहार 813110, ठीक है। चलिए अब डायरेक्शन देखते हैं कैसे यहाँ पर पहुँचा जाएगा। तो यहाँ से देखिए काफ़ी पास में ही दिखा रहा है हम जहाँ पर अभी है। तो यहाँ पर यहाँ से सिर्फ हमको बाइक में, अगर हम जाते हैं, बाइक ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आप चाहे तो आप किसी भी चीज़ में, कार भी है यहाँ, कार में भी जा सकते हैं। तो यहाँ चलिए यहाँ से सिर्फ 4 मिनट ही हमको लगेगा यहाँ से, जो कि 2 किलोमीटर है, 2.7 किमी है। तो कुछ इस तरीके से ये काम कर जाएगा, आपका पास वाला ही दिखाएगा, बस उसमें आपको सिर्फ लिखना है या फिर बोलना है पेट्रोल पंप नियर मी। नियर मी का मतलब होता है आपका पास वाला, तो नियर मी आप जरूर उसमें लगाएंगे, या फिर लिख रहा है तो उसमें लिख देंगे, कोई भी चीज़ हो तो आपका पास वाला ही आएगा। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर किस तरह हम जाएंगे। तो गेट स्टार्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो जैसे गेट स्टार्ट पर क्लिक किया हूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि सिर्फ यहाँ से हमारा 4 मिनट ही लगेगा, जो कि 2 किलोमीटर कुछ है। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरीके से इतना आसानी से आपको पता चल गया कि पेट्रोल पंप कहाँ पर है और उस जगह में कैसे पहुँचा जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए आप देखते हैं किस तरह से हॉस्पिटल के पास पहुँचा जाए और हॉस्पिटल कहाँ पर है देखा जाए सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान के चलिए, आप जहाँ पर भी है, आपको कोई हॉस्पिटल का ज़रूरत है, मतलब आई हॉस्पिटल का ही ज़रूरत है, मान के चलिए आँखों का हॉस्पिटल के पास आप जाना चाहते हैं, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल आपके पास हमेशा रहता है, ज़्यादातर आदमी के पास ही मोबाइल रहता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप उस हॉस्पिटल का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं, जैसे कि आई हॉस्पिटल, ठीक है। तो लिखते हैं आई हॉस्पिटल, यहाँ पर आ चुकी है, देखिए नीचे में आ चुकी है आई हॉस्पिटल नियर मी। चलिए यहाँ क्लिक करते हैं, तो जैसे कुछ इस प्रकार यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर मनीष नहीं बोर्ड MD, कुछ ये एक हॉस्पिटल हो गया। तो यहाँ आपका
कॉल नंबर भी दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर। वहाँ और एक हॉस्पिटल दिखा रहा है, लेनोको जयपुर आइस हॉस्पिटल, ठीक है। एक हो गया जो कि गोड्डा झारखंड में है, और एक दिखा रहा है यहाँ पे दीप आई हॉस्पिटल, जो कि यह भी गोड्डा में ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम कर जाएगा। तो यहाँ पे कितना टाइम से कितना टाइम खुला रहता है वो भी यहाँ दिखा रहा है। देखिए ये जो दीप आई हॉस्पिटल है गोड्डा में, वो यहाँ 10 बजे से ओपन होता है, ठीक है। और यहाँ तो साइड में आप देख सकते हैं कॉल वाला भी ऑप्शन है, आप चाहते हैं इसमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं। अगर मान के चलिए इस हॉस्पिटल में आपको जाना है तो इस हॉस्पिटल में हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ, कॉल दिया हुआ रहता है, सीआर दिया रहता है, ठीक है। चलिए हम डायरेक्शन में क्लिक करते हैं किस तरह हम जाएंगे वहाँ पर। तो जैसे डायरेक्शन में क्लिक किया कुछ इस प्रकार से आ गया है, तो यहाँ हमको दिखा रहा है हम अभी जहाँ पर है, यहाँ से हमारा टाइम लग जाएगा। अगर हम बाइक में जाते हैं तो यहाँ से हमारा टाइम लगेगा 22 मिनट, जो कि यहाँ से रास्ता आपका 14 किमी है, 14 किलोमीटर। तो जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जैसे स्टार्ट डायरेक्शन दिखा देगा और कैसे वहाँ पर जाना है हॉस्पिटल तक तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।